में किचन की अपनी एक खास अहमियत होती है और आजकल कई इंटरनेशनल ब्रांड्स मॉड्यूलर किचन के अलग अलग डिजाइन लेकर भारतीय बाजार में आ गए हैं। मॉड्यूलर किचन की खासियत ये है कि ये मूवेबल किचन हैं और डिजाइन्स भी ऐसे कि देखने वाला देखता ही रह जाएगा। तो आइए आज आपको दिखाते हैं हैकर की मॉड्यूलर किचन्स। तो चलिए चलते हैं हैकर की दुनिया में। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किचन्स के अलग अलग बहुत सारे हैकर के जो फीचर्स हैं उनमें से एक, जैसे अब आप दिखाएं कि ये ड्रॉर है, इन सब ड्रॉर्स का एक सॉफ्ट क्लोजिंग सिस्टम है कि आप इनको बंद करेंगे तो ये एक बार रुक के फिर बंद होंगे, चाहे आप इनको जोर से भी बंद करेंगे फिर भी ये रुक के कभी बंद होंगे और ये वर्चुअली डस्ट प्रूफ हो जाते हैं बंद होने के बाद। अगर आप गलती से इनको छोड़ इतना अगर आपने इतने डिस्टेंस तक छोड़ भी दिया तो भी ये धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगा, किसी भी सूरत में ये खुला नहीं रह सकता जब तक कि आप काफ़ी ज़्यादा खुला ना छोड़ दें। इसी तरीके सब दरवाजों का यही सॉफ्ट क्लोजिंग सिस्टम है कि सब दराज इसी तरीके से धीरे धीरे बंद होते हैं। हैकर किचन्स की एक और भी खासियत है कि इनके जितने भी दराज हैं वो बहुत बड़े साइज के होते हैं, जैसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये 120 सेंटीमीटर चौड़ा दराज है और ये तकरीबन 65 से 70 किलो का वजन ले सकता है। इसकी चैनल्स इतनी स्ट्रांग है कि इतना वजन ले सकती है। इन तमाम किचन्स में प्रोविजन है कि बिल्ट इन माइक्रो ओवन्स लगाए जा सकते हैं, इनके अंदर बिल्ट इन फ्रिजेस लगाए जा सकते हैं जिससे कि फ्री स्टैंडिंग फ्रिजेस लगा रखने की जरूरत नहीं, कैबिनेट के बीच में ही पूरा फ्रिज कंसील हो जाता है। ये एक वर्किंग आइलैंड किचन है जिसके कि चारों तरफ घूमा भी जा सकता है, एक तरफ से कुकिंग कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर इधर बैठ के इसको डाइनिंग की तरह इस्तेमाल करना हो तो यहाँ पे एक स्प्लैश प्लेट लगी है। अब जैसे हर किचन के अंदर एक डस्टबिन की अपना एक प्रोविजन है, जैसे इसके अंदर आप देखेंगे कि डस्टबिन प्रोवाइडेड है। ये डस्टबिन हैं डिफरेंट स्टाइल्स में, डिफरेंट किस्म की चीजों को आप प्रोविजन कर सकते हैं इनको निकाल के फेंकने के लिए। जहां तक किचन में वर्किंग का सवाल है, इसमें एंटरटेनमेंट का भी प्रोविजन है कि यहाँ पर जैसे इस किचन में हमने दिखाया है कि यहाँ पर हमने एक डीवीडी, रेडियो, टीवी, केबल टीवी कुछ भी इसमें आप प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर फीचर। और अच्छी ब्यूटी के लिए इनके शेल्व्स ऐसे ग्लास और इल्यूमिनेटेड शेल्व्स हैं जिनको कि इंडिविजुअली ऑपरेट भी किया जा सके, भी बहुत अच्छा खूबसूरत लगते हैं। अब जैसे ये शटर्स हैं ये सिर्फ ऊपर की तरफ ही खुलते हैं और ये अपने वजन से कभी अपने आप नीचे को नहीं गिरते, इनका स्प्रिंग इफेक्ट है कि जब भी इसको खोलेंगे ये सीधा ऊपर ही जाएंगे। अब जैसे ग्रेनाइट टॉप्स है, ग्रेनाइट टॉप्स का एक बहुत अच्छा सा फीचर है कि ये हालांकि 10 मिलीमीटर थिकनेस में है लेकिन इनको रीइंफोर्स किया जाता है अलग अलग विड्थ्स में और ये स्टील पैनलिंग इनके हुई हुई है फॉर ब्यूटी और इनकी रीइंफोर्समेंट इतनी अच्छी होती है कि इसका लेवल, इसका फिनिश एकदम जीरो लेवल में आता है और इनकी फिनिशिंग इतनी बेहतरीन है कि अगर आप देखेंगे इनकी एजेस इतने अच्छे से राउंड हुए हुए हैं जो कि यहाँ पर अचीव करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीनों से बनाया गया है। अब आप ये देखिए इसकी कटिंग में, हालांकि थिकनेस इसकी 10 मिलीमीटर ही है ग्रेनाइट की लेकिन इसकी एजिंग इतनी बढ़िया है कि जो यहाँ पर अचीव करना मुश्किल होता है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर इन्होंने काट के एक ड्रेन बोर्ड सा बना दिया है कि अगर कोई भी वेट बर्तन धोने के बाद इसके ऊपर रखा जाएगा तो ये सारा पानी ड्रेन होकर इधर ही आएगा।